Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸਤੂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ GPS ਰਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ PhD ਵਾਸਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਸ਼ੋ। जी हाँ, नमस्कार हमारे सभी रेडियो मिर्ची 1310 के जितने भी लिसनर्स हैं, और प्रीत आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे काफ़ी देर के बाद में मौका मिला आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे जो पंजाबी बहन भाई हैं, उन्होंने तो भी सारे शुक्रिया कर दी है कि थोड़े नाल मैं शो दे विच जुड़ी है कि हाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जी, थैंक यू वेरी मच मैम। बिकॉज जब से मेरा शो स्टार्ट हुआ है, मुझे पता था कि आज आप आने वाली हैं जी, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बता रही हूँ सभी लिसनर्स को कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। फाइनली यू आर हियर जी। वैसे तो मैंने सभी को थोड़ा बता दिया जितना मुझे पता है वास्तु के बारे में जी, तो आप मुझे बताएं कि वास्तु का जो, बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मोटिव होता है कि ये स्टडी मैं करूँगा तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा जी, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये स्टडी करनी चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया प्रीत, क्योंकि प्रीत इस लाइन में देखा जाए तो ये एक मेरा पैशन है, मेरी पूरा, जैसे कहते हैं ना कि आप सांस लेते हैं उसके बीच में क्रम जाता है, ये वो चीज़ है जी। तो आई एम इन दिस फील्ड मोर देन 32 years एंड आई वाज डूइंग दिस प्रैक्टिस इन इंडिया टू, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे को 10-12 साल हो गए हैं, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस इट जिसने USA में। और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जितने भी लिसनर्स ही नहीं है, 99% लोग इस चीज़ से अवेयर हैं जी। और ये भी नहीं कि मैं सिर्फ आपके बे एरिया में ही करती हूँ, मैं ऑल अराउंड वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ, अमेरिका की सभी स्टेट्स में जाती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जैसे जो भी लोग चाहते हैं विजिट कराना वहाँ विजिट करती हूँ, और ऑस्ट्रेलिया भी है, लंदन भी है, सो ऑल अराउंड आई ट्रैवल। ये बहुत ही एक, दिस इज एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस, इट इज नथिंग रिलेटेड कि जिसको हम कह सकते हैं ना कि कोई काला जादू है या ऐसा जादू है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि पहले तो मेरा भी क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो पहले हम सभी को, मुझे और लिसनर्स को ये बताएं कि वास्तु होता क्या है। वास्तु, दिस इज ए VAST जी, वास्तु मीन्स कि जहाँ हम रहते हैं, वास वी जिसको कहते हैं कि जो इंसान रहता है वास करने के लिए जी। ये तो सभी लिसनर जानते हैं कि हमारे, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे कोई भी हैं, कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और वो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं हैं, बिल्कुल भी, जिसको आप बोलते हैं कि हम लोग 5 तत्व हैं, 5 तत्व का पुतला बोला जाता है इंसान को, ये कि हमारी बॉडी है, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। देखा जाए तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं, जो भी लिविंग होगी, अगर आप देखेंगे पेड़ पत्ते भी हैं, जानवर भी हैं, वो भी इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, बिना इसके कुछ नहीं है। हवा के बिना आप नहीं जी सकते हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं,
चाहे वो जानवर है, पक्षी है, जो भी लगाइए, तो आपको हर किसी को एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, फायर की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, ये आपको चाहिए। सेम उसी तरह से प्रीत, हमारी ड्वेलिंग जो जिस जगह में हम रहते हैं, वास करते हैं, स्टे करते हैं, वहां पर भी ये फाइव एलिमेंट्स ही रिलेटेड है। अब आप ये कहेंगे कि फाइव एलिमेंट्स वहां कैसे रिलेटेड है, क्यों फाइव एलिमेंट्स? क्योंकि जिस दीवारों में है उन्हीं दीवारों को ये एलिमेंट्स की एक डायरेक्शंस बनी हुई है, वो अपनी अपनी जगह से ही आते हैं। कई देखिए आप कहते हैं नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं एयर वाटर अर्थ फायर स्पेस, ये फाइव एलिमेंट्स हमारी 8 डायरेक्शंस के साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे तो टोटल हम 10 डायरेक्शंस लेते हैं, लेकिन मेन 8 डायरेक्शंस हैं। ये डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ, जब नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बीच में नॉर्थ ईस्ट भी आता है, ईस्ट से साउथ की तरफ जाते हैं साउथ ईस्ट आ जाता है, साउथ से वेस्ट में जाते हैं साउथ वेस्ट आता है, और जब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट आता है। सो ये हो गए टोटल 8। सेंटर होता है, हर जगह का एक सेंटर पॉइंट होता है दुनिया में, कहीं पे भी हम बिना सेंटर के, अगर ये संसार भी, ये ब्रह्मांड भी अगर है, तो वो सेंटर से, एक बिंदु से बना हुआ है, एक सेंटर पॉइंट से। आप अपनी भी हम लोग हाइट देखें, जहाँ हमारी नेवल है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से बेल में नाभि, वो हमारा सेंटर है, जो भी हमारी हाइट होगी उस सेंटर से ही जुड़ी हुई है। तो लाइफ सेंटर से स्टार्ट होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी जो नाभि के साथ, वो माँ के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि वहाँ से जिंदगी मिलती है। और स्पेस अर्थ है, स्पेस है, अगर हमने सेंटर पॉइंट ले लिया तो स्पेस, ब्रह्मांड जहाँ ऊपर आसमान की तरफ दिखी, तो स्पेस कितनी गहरी है, कितना बड़ा है, तो वो सब चीज़ें, वो 10 डायरेक्शंस हमारे इन्हीं डायरेक्शंस के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी जिसको मैं कहती हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, एनर्जी होती है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते हैं हॉस्पिटल में तो हम ठीक होने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या होता है प्रीत, कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में पांव रखते हैं, रखते ही हमें एकदम ऐसा लगता है कि ओह क्या होगा, एक डर कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं डॉक्टर क्या कर देगा, जबकि वहां तो हम ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन एक वहां की नेगेटिविटी एक साइकोलॉजिकल एक माइंड में बैठा हुआ है, माइंड में होता है कि हॉस्पिटल पता नहीं क्या हो ना। मैं आप किसी को भी बोलती, मैं हॉस्पिटल में हूं, क्यों, क्या हुआ, ऐसे बहुत एकदम अचंभे से बोलते हैं। सच में दूसरी तरफ आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में जाते हैं, वहां जब आ जाते हैं खुशी में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन आप वहां जाके अपने आप को एक शांति महसूस करते हैं, वहां पे उस जगह के ऊपर में आप अच्छी जगह पे भी बैठोगे तो आपका आंसू रुकते नहीं है, मींस कि आपको लगता है कि मैं इस जगह पे आके अपने सब दुख भूल गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, भगवान का शुक्रिया भी अदा करते हैं खुशी में, पॉजिटिव एनर्जी। सेम उसी तरह से हम अपनी ड्वेलिंग, अगर हम अपने घर में हैं, क्या रीज़न है कि हमें बैठे बिठाए बहुत नेगेटिविटी मिलती है, क्या रीज़न है कि एक बहुत खूबसूरत रिश्ता शादी का हो जाता है, लेकिन कुछ साल बाद पता चलता है कि आपस में इतनी अनबन हो गई है कि हम लोग दूसरे एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं या डिवोर्स हो रहा है, बहुत मन्नत मान के आप भगवान अपने आपको बच्चा देता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बच्चे से जुड़ा स्ट्रेस आता है, जॉब से जुड़ी कई प्रॉब्लम है, बिजनेस से जुड़ी है, या हमारा स्टोर नहीं चलता, आप एक दूसरे देश से, एक परदेश में आके जिसको आपने अपना घर बनाया है, बहुत अच्छा किसी ने कहा था कि जहाँ पे सवेरा है वहीं बसेरा है, और जहाँ पे बसेरा है वहीं सवेरा है, लेकिन क्या वो बसेरा और सवेरा हमारे साथ, हमारी एनर्जी को हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को जब हम बहुत गहराई से देखते हैं, जब हमारे ये सवाल आते हैं, तो बहुत देखा जाता है कि क्या हम उस सही डायरेक्शंस में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। आप हैं, आप देखिए कि जब सुबह मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ प्रीत कि ठीक है आपने मुझे बुलाया है तो आपका डायरेक्शंस घर का किस तरह को फेस कर रहा है मेन एंट्रेंस डोर, वो बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट वो उसी हिसाब से बोलते हैं कि अगर वो 9 बजे सोकर उठे हैं तो उन्हें सामने सूर्य दिखाई दे रहा है, जबकि 9 बजे तक तो वो सूरज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो हमारी पोजीशन है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, तो वो डायरेक्शन हमारी बदल जाती है, और वहां से डायरेक्शन निकल के दूसरी साइड में आती है, हर 10 डिग्री के बाद में ईस्ट टूवर्ड्स हम साउथ ईस्ट चलना शुरू करते हैं, तो हर डायरेक्शन का एक अपना इफेक्ट पड़ता है हमारी
ऊपर जी बिल्कुल नॉर्थ है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट को हम हमेशा वाटर एलिमेंट कहते हैं कि जो वाटर से जुड़ी है, जो कॉस्मिक लाइफ से जुड़ी एनर्जी है। आगे ट्रेवल करते हैं ईस्ट से साउथ, क्योंकि 12 बजे तक जब बिल्कुल सूरज तपता है वहां पर साउथ ईस्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फायर डायरेक्शन। फायर डायरेक्शन से आगे हम चलते हैं साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, तो एक अर्थ डायरेक्शन आ जाती है जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है। वहां से अगर हम निकलते हैं, वाटर क्रॉस कर लिया, फायर कर लिया, अर्थ कर लिया, अब आगे हमारे को मिलती है एयर। ये उनसे जुड़ी एनर्जी है, लेकिन इन्हीं एनर्जीज में अगर ये अपनी सही जगह पे नहीं होती है तो वहीं हमारे को प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ को अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट लिसनर्स अगर हम उसको वाटर रिलेटेड एलिमेंट कहते हैं और वहां पर अगर किचन आ जाए तो फायर अगर आएगी तो नेचुरल है कि फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू कन्विंस एवरीबॉडी दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस। और ये नहीं है कि इट इज क्रिएटेड बाय रेवा कुमार, ये आज से हजारों 5 से 6 हजार साल पुरानी है, पहले भी चलती थी। आप कभी भी देखते कि अगर आपके बड़े ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उस समय भी खुली जगह होती थी, कहते थे कि खुले खुले घर होने चाहिए, बीच घर नहीं होने चाहिए। व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि वो उस एनर्जी को फील करते थे जी। हाँ, साइंस हम इसलिए कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता जाता है, तो हम इसको साइंस मतलब कि इस पे प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली उस समय थी, वक्त ने उसको प्रैक्टिकली कर करके हमने देखना शुरू किया कि अगर ये चीज गलत है या किसी वजह से वो एलिमेंट अपनी सही जगह पे डायरेक्शन पे नहीं है तो क्या हम, ये तो है नहीं कि तोड़ फोड़ की जा सके, तो हम उसको कैसे प्रैक्टिकली हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की हमारी खास स्पेशलिटी है। आई नेवर रेकमेंड रेनोवेशन और रीमॉडलिंग एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस दैट एनर्जी विदाउट डूइंग एनी रिनोवेशन रिमॉडलिंग। हम उस एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, मींस ऐसा हो सकता है कि मींस बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि हम अभी बता रहे हैं लोगों को, कुछ लोगों ने ये चीज फर्स्ट टाइम सुनी होगी कि लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जी। तो जैसे हम बोले कि ओके, उनके दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे घर की वजह से चल रही हूँ जी, तो अगर वो आपसे मिलना चाहें, अगर आप उनको, आप उनके घर पे जाके विजिट करते हैं जी, तो जैसा घर बना हुआ है उसी को आप मींस वास्तु तरीके से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, यही हम करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं, 100% मैं मानती हूँ कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जब तक आप उसको कस्टमाइज नहीं कराएं, ठीक है। अगर आपके पास लॉट है तो आप उसको 100% वास्तु कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको जाके विजिट करके मैं उनको जरूर बताती हूँ। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं विजिट करती हूँ, आई ऑलवेज आस्क कॉलर्स कि अगर आप मुझसे स्केड्यूल कर रहे हैं देन डोंट लेट मी नो व्हाई यू गाइस आर कॉलिंग मी, लेट मी विजिट ओवर देयर। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट शो है, आहिस्ता आहिस्ता मैं काफी केस हिस्ट्रीज अपने लिसनर्स के साथ में शेयर करूंगी कि जहां मैं उन्हें स्ट्रिक्टली कहती हूँ दैट डोंट लेट मी नो व्हाई यू गाइस आर कॉलिंग मी बिकॉज लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स। ये डायरेक्शंस खुद बोलती हैं, प्रीति हमें खुद ही बताती हैं कि पर्टिकुलर इस जगह पे क्या नेगेटिविटी है, क्या स्टार्ट हुई है, क्योंकि वास्तु का कोई भी डिफेक्ट जो होता है फर्स्ट 24 मंथ से लेके हम लोग उसको 15 ईयर्स की कैलकुलेशन में लेके चलते हैं कि उसका किस टाइम पीरियड में हुआ। उसी तरह से घर के साथ साथ में चाहे वो गैस स्टेशन हो, मोटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, कमर्शियल जितने भी आपके होते हैं आईटी के जैसे जी, घरों के और ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स होती हैं सारी, चाहे उनके डॉक्टर्स भी हैं मेरे साथ में, कई क्लाइंट्स हैं हमारे जी जी। तो ये उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं बैलेंस करने में, उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने में कहती हूँ। ऐसा भी होता है कि जैसे कि कई बार अगर आपने विजिट किया एंड दे वांट, कई बार कहते हैं कि जी मेरे हस्बैंड नहीं मानते या बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं पहले ये आपसे क्लियर करना चाहूंगी, बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में जो डिफरेंस है वो ही पता नहीं होता। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि एस्ट्रोलॉजर राइट, तो इस चीज को आप कैसे लाइक बताएंगे लोगों को? बहुत अच्छा आपने ये भी सवाल किया प्रीत। देखिए, है एक जैसे एक पेड़ है उसकी ब्रांच होती है, ठीक है, टहनिया है। एस्ट्रोलॉजी एक अलग टहनी है, वास्तविक टहनी। एस्ट्रोलॉजी होती है प्लैनेटरी पोजिशन से रिलेटेड, जैसे कि किसी का प्लैनेट है सैटर्न चल रहा है, किसी पे मार्स का चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, वो चेंज होती जाएगी, वो चेंज होगी, उसके बाद में जब दूसरा आएगा उसका क्या असर है, वो उसका फायदा होगा। लेकिन जो वास्तु है, वास्तु का टोटली डिफरेंट है। वास्तु में क्या कहते हैं कि हम लोग पोस्ट
प्री हर चीजों को चेक करते हैं। okay. वास्तु एक से नहीं होता, वास्तु घर के जितने फैमिली मेंबर्स हैं हम उनके एलिमेंट्स को चेक करते हुए वास्तु कुंडली चार्ट को चेक करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है उनके लिए। ओके। अलोंग विद दैट एस्ट्रोलॉजी के बीच में आप 2-3 साल बाद आपकी आपकी जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, स्टार्स की पोजीशन होती है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन वास्तु आप एक ही बार अगर आप उसको ठीक करते हैं तो वो आपका चलता रहता है, बशर्ते कि आप उसके बीच में कुछ और ऐड ना करें। सपोज कर लीजिए आपने एक बार मेरे से उसका करवा लिया, उसके बाद में अगर 5 साल के बाद में आप उसकी किसी कलर डायरेक्शन के ऊपर में कोई चीज रख देते हैं या कहीं पे आपको ये आप रेनोवेट करके उसमें कुछ रूम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो फिर आपको दोबारा उसको जरूर देखना होगा, वो आपको दोबारा गलत असर दे सकता है। ओके, तो मैं अभी अपने जो लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि आप हमारे साथ ही हैं, अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो उनको नंबर बता देती हूँ। अगर आप रेफा कुमार जी से बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है वो किसी वास्तु दोष की वजह से चल रहा हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 408-934-1310। उसके अलावा अगर आप शो के बाद रेफा कुमार जी से बात करना चाहते हैं उसके लिए उनका नंबर है 510-868-3338। तो मैम सभी का ये भी होगा क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लोगों की इच्छा भी होगी आपसे मिलने की, लेकिन कहाँ मिल सकते हैं आपको, आपका कोई लाइक पर्टिकुलर ऑफिस है, टाइमिंग होगी कुछ? बिल्कुल, मेरा फ्रीमॉन्ट के अंदर ऑफिस है। टाइमिंग्स में ऐसा होता है क्योंकि मोस्टली मेरे को विजिट ही करना होता है प्रॉपर्टी, बट वी आर हैविंग ऑल ऑप्शंस इफ दे वांट दे कैन गो फॉर फोन कंसल्टेशन ऑल्सो, जिसके बीच में वो अपना फ्लोर प्लान स्कैन करके हमें भेज देते हैं। फेस टाइम भी मैं करती हूँ, स्काइपी पे भी करते हैं, फेस टाइम भी हम करते हैं कि अगर वो लोग दूर डिस्टेंस पे हैं, अगर नहीं आ सकते तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक करते हैं। और अगर उनके पास में दे आर क्वाइट नो टू डायरेक्शंस तो वो फ्लोर प्लान लेके मेरे को पर्सनली भी आके मिल सकते हैं फ्री मंथ पे, तो आई एम अवेलेबल देयर, लेकिन बिफोर दैट दे हैव टू गिव मी कॉल और दे कैन ईमेल मी, कर सकते हैं ये जी। एंड अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लोगों का ये होता है कि मीन्स सभी लोग कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ सिख होते हैं, तो कुछ लोगों का दिमाग में ये उन्होंने सेट किया होता है कि ये चीज़ जो है लाइक हिंदू लोग करते हैं, रिलीजन के साथ है, हम लोग तो नहीं करते, या फिर वो लोग कुछ पर्टिकुलर लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, तो इस चीज़ का क्या धर्म के साथ कोई संबंध है या फिर कोई भी इसमें लाइक हो सकता है? जी नहीं प्रीति, इट इज नथिंग रिलेटेड विथ रिलीजन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। ओके। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सारा संसार सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि पंजाबी को सांस लेना है इन्हीं एलिमेंट से तो मेरे को नहीं लेना, या हिंदू को नहीं लेना, या नहीं, मेरे हर पूरे रिलीजन के क्लाइंट्स हैं, मेरे चाहे चाइनीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, पंजाबी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी तरह के, सभी धर्म के, क्योंकि धर्म बेस्ड नहीं है, ये एक साइंस है जी। साइंस है, आपको एक जगह बनानी है, आप घर बनाते हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि हमें घर वो मिले कि जिसकी वाइब्स बहुत अच्छी हो जी, जो हमारे को ब्लेस करे, हर तरह से हम अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो उसके लिए हमको उस एनर्जी को फील करना है आपको, तो इट इज नथिंग रिलेटेड विद कि कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मैजिक काला जादू, आई डोंट बिलीव इन काला जादू एंड ये ब्लैक मैजिक, इट इज नथिंग लाइक दिस जी 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 जी। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हम जो रूमर्स होती है उनको सच मानना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो जाता है सच में, तो जो लोगों को नहीं पता कि ये ओके ओके जी किसी रिलीजन के साथ, बिकॉज जो आप बता रहे हैं कि जो 5 तत्व हैं वो हर एक इंसान में है, हर एक तो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई ये साइंस है आई थिंक जी, तो इसलिए हम इसको कहीं भी नहीं कहेंगे ये रिलीजन बेस्ड है, ये साइंटिफिकली इट इज अप्रूव, जिसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सभी लिसनर्स को बताऊंगी, और अगर मैं इसको बहुत इजी वे में डिफाइन करती हूँ तो एक बार मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ओके। इट इज ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जी विथ द 10 डायरेक्शंस एंड विथ द हेल्प ऑफ 9 प्लैनेट्स। ओके तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपसे कोई आप किसी के घर को विजिट करते हैं या फिर कोई आपसे कंसल्टेशन लेता है तो आप उस घर के हर एक मेंबर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको चेक करते हैं? हम उनके प्लैनेट्स को नहीं लिखते, हम उनके एलिमेंट्स होता है, जैसे कि उनका जॉडिक साइन। ओके, जॉडिक साइन, उनके सिर्फ जॉडिक साइन, आई डोंट नीड नेम एंड देयर डेट ऑफ बर्थ, एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ, आई डोंट नीड देयर टाइम्स एंड प्लेस,
just I want to know the zodiac sign, because every zodiac sign is having his own element, mm-hmm. own quality and own planet. So unki lekar agar ghar ke char members hain, ab aapko le lijiye, hum aapke liye ghar dekh rahe hain, aapko lagta hai north aapke zodiac sign se is element se aapko suit karta hai north, aapke husband hai unke zodiac sign se agar unko suit karta hai south, tab ye to ghar hai nahi ki ek south mein jaake rahega ek north mein rahega. No, astrologically ji nahi, aisa nahi hoga. Yes, we have to say ki वहां पर हम किस एनर्जी को ज्यादा फील कर रहे हैं. ओके, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि वास्तु के मुताबिक में नॉर्थ फेसिंग हाउस इज गुड. यस, इट इज ट्रू, नॉर्थ फेसिंग इज गुड, जनरली ले रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आपने नॉर्थ फेसिंग तो देख लिया लेकिन आपने बाकी डायरेक्शंस नहीं देखने नहीं है. जी जी. अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, बिना एयर वाटर फायर के गाड़ी तो नहीं स्टार्ट हो सकती ना. जी, जी, आप प्रेशर भी चेक करते हैं, एयर प्रेशर चेक करते हैं, फ्यूल भी देखते हैं, फायर भी देखते हैं, हर चीज को देखते हैं, कि वाटर भी देखते हैं, सब देखते हैं कि हमको अपनी मंजिल पे पहुंचना है. अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आपकी रोड अगर ठीक नहीं होगी तो आप समय पे मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे. द सेम वे हियर, इफ यू वॉन्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन definitely you have to adopt a right directions. Only right directions can help you to reach your own destination. एक सही दिशा अगर आप लेते हैं तो आपके ग्रहों की भी दिशाओं को बदल देती है, आपकी conditions को बदल देती है. Astrologically भी अगर मैं प्रीत एक बात बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी देखें कि जुड़वा है, ट्विंस पैदा हुए हैं और उनका कुछ सेकेंड्स का फर्क है. एक घर में रह रहे हैं, दो भाई हैं, बड़े हो गए हैं, एक अमेरिका चला गया, एक इंडिया में है, तो आप एक बताइए, एक को कहते हैं कि वो बहुत अमीर है और एक को कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल बन गया है, तो मुझे बताइए, उसमें तो एस्ट्रोलॉजिकल उनकी हर चीज सेम थी. बिल्कुल. तो क्या ये रीजन है? तो वहां पर जरूर मैं कहती हूँ कि अगर कोई वो पैदाइशी तो क्रिमिनल नहीं था, या वो पैदा होते वो भी अमीर नहीं था. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि एक को एक एक जगह मिल गई सक्सेस और एक को फेलियर मिला, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दोज डायरेक्शंस. कि उसको अगर वो फेलियर की तरफ गया, उस समय क्या डायरेक्शन थी जो उसको गलत लेके गई? क्या वो रूम गलत था? क्या वो आप कह सकते हैं कि जिस जगह पे पढ़ते थे वो डायरेक्शंस गलत थी? इट मींस देयर वाज समथिंग रॉन्ग. जी जी जी, बिल्कुल. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपने अभी भी बोला कि एक भाई बहुत अमीर हो गया तो दूसरा क्रिमिनल हो गया जी. तो एक लाइक हो चुका है उसके साथ जो होना था जी. तो अब अगर वो आपके पास आए कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा ऐसा चल रहा है, ये कुछ हो चुका है जी. तो अब भी इस मोड पे जाके उसकी लाइफ को सेट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सॉल्यूशन जी. आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू आर फॉलोइंग योर वास्तु प्रिंसिपल्स तो आपको आप कह सकते हैं कि मिरेकल हो जाएगा, बट रिजल्ट्स आर रिमार्केबल आते हैं. वी हैव टू फॉलो देम, रिजल्ट्स आर रिमार्केबल. अगर आप किसी तरह रास्ता भटक गए तो जगह पे तो हमको पहुंचना है ही. सो वहां पर पहुंचने के लिए हमारे को बहुत जरूर होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि हम उसको बैलेंस करें. जी ठीक है. तो जैसे कि वास्तु की हम दिशाओं का करते हैं कि इस दिशा में ये होना चाहिए, इसमें कुछ कलर्स का भी होता है कि इस दिशा में ये कलर होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स. वही मैंने आपसे बताया कि वो एलिमेंट से रिलेटेड है. ओके. अब जैसे कि आप है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा, बिकॉज आवर अर्थ इज इंक्लाइन 23.5 डिग्री टू नॉर्थ ईस्ट. ओके. इफ इट इज इंक्लाइन टू 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मींस इफ इट इज दिस इज 23.5 डिग्री, देन साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड. तो वहां एलिवेटेड का रीजन क्या है कि जब हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे घर हमारी जगह पे ट्रेवल करे नॉर्थ ईस्ट से, अगर वो साउथ वेस्ट हमारा डाउन होगा तो वो एनर्जी हमारी ड्रेन आउट कर जाएगी, तभी हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट हैज टू बी हैवी एंड एलिवेटेड. अब आ जाता है रंगों का मामला. तो आपको कलर उसी डायरेक्शंस उसी एलिमेंट रिलेटेड से देने हैं. वाटर की जगह पे अगर मैं रेड कलर ब्लैक या रेड कलर फायर कलर दे दूं तो वही हो गया कि दैट इज इक्विवेलेंट टू फायर, कि वहां किचन है या आग है. सो हर डायरेक्शंस का, हर एक एलिमेंट का एक अपना अलग है. बच्चों की स्टडी रूम का एक अलग अलग है, आप सोते हैं आपकी डायरेक्शंस का सोने का अलग जगह है, अलग कलर है. आपके घर के हर फर्नीचर की प्लेसमेंट्स की एक अपनी पोजीशन है. एवरी थिंग इज हैविंग ओन. आपके चाहे गाड़ी का गैराज हो, उसकी अलग पोजीशन है. तो हमको ये देखना है कि क्या एक छोटी सी चीज भी, अगर आप निडल है, आप निडल से बड़ा आप कह सकती हैं कि जख्म ठीक करती हैं,
एक डॉक्टर भी है, वो भी अगर स्टिचेस लगाएगा तो निडल यूज करता है. सो क्या वो निडल की प्लेसमेंट भी हमारे सामने कहाँ पे है, इट ऑल्सो इफेक्ट्स. मिरर प्लेसमेंट्स आर टू मच. मिरर हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है. कहाँ हमारे को डायरेक्शंस को डेप्थ देनी है, कहाँ मिरर हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या वो हमें नुकसान दे रहा है, क्या हमें फायदा दे रहा है. तो हर चीज को बारीकी से देखकर ही हम इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं. Means it means everything is जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ. बिल्कुल. तो हम अभी थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, लिसनर्स को गीत सुना देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से फिर से जुड़ते हैं. ठीक है जी. थैंक यू प्रीत जी. दोस्तों वेलकम बैक. तो मैं हाँ थोड़ी अपनी आर जे प्रीत चारला के साथ नाल जुड़े ने GPS रेवा कुमार. मे भी थोड़े दिमाग से क्वेश्चन होएगा कि वाई आई एम सेइंग GPS. जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो इंसान थोड़ा डायरेक्शन दिता हो कि किस डायरेक्शन से जाके थोड़ी लाइफ ओके होने वाली है, दैन आई थिंक वी कैन कॉल हर GPS. जी मैम, इज इट ओके? थैंक यू. तो दोस्तों नाल दी नाल मैं थोड़ा दस देवगी, जेकर तुम कॉल करके ना तो कुछ भी पूछना चाहते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, दैन यू कैन कॉल अस. नंबर है जी 408-934-1310. तो जेकर शो के बाद इन्हों परसनली गल करना चाहते हो, उस दे लई इन्हों का नंबर है 510-868-3338. जी हाँ जी मैम, तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो पहले तो मेरे दिमाग में खुद में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समटाइम्स जैसे कि हम अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में तो घर बनवाना बहुत इजी हो जाता है, हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इट्स डिफ़िकल्ट लोगों के लिए. तो अगर लोगों को इस घर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, अगर आप वो आपसे कंसल्ट करें कि हम चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा घर बन जाए, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? ऐसा होता है प्रीत की हमारे पास में सारी ऑप्शंस होती हैं. सबसे पहले कि अगर कई बार मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो अपना लॉट लेते हैं, कई मॉडल सेट करना है या कोई घर लेना है, तो उसमें मैं उनका पूरा प्लान उनका आर्किटेक्ट को बताती हूँ. उनके साथ में सिटिंग्स होती हैं मेरी कि वेयर आई नीड द प्लेसमेंट्स ऑफ द रूम. सिर्फ यही नहीं होता कि प्लेसमेंट्स, उसमें हमारे को शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. शेप ऑफ लॉट क्या है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगुलर को हम सबसे बेस्ट मानते हैं. उसके साथ में फिर स्लोप क्या है, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा हमेशा डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट हैज़ टू बी एलिवेटेड. उसका स्लोप क्या है, लेवल क्या है उसका. अब यहाँ पे देखा कई घर पहाड़ों पे होते हैं, हिल्स पे होते हैं, हिल्स पे घर, तो हिल्स के ऊपर में भी वी हैव टू बैलेंस इट. अब एक हिल को बराबर तो नहीं हम कर सकते, नहीं कर सकते हैं. अगर आपका साउथ फेसिंग घर होगा, नॉर्थ आपको डाउन मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन साउथ फेसिंग का हम घर नहीं लेते हैं. सेम उसी तरह से अगर हमारे को नॉर्थ फेसिंग घर मिल रहा है, साउथ हमारे को अगर हॉलो मिल रहा है, खाली मिल रहा है, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है. सो वी हैव टू क्रिएट बाउंड्री वॉल और कंपाउंड वॉल, और कहाँ स्विमिंग पूल है, सब चीजें हमारे को प्रॉपरली देखनी होती है. अगर आप सोचते हैं कि अगर आपका लॉट नहीं है और आप ले रहे हैं, तो उसमें वी आर हैविंग, हम मेरे साथ में रियलिटर हैं कि जो हम उनको वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी देने की कोशिश करते हैं. 100% ना भी मिले, एटलीस्ट 70-75% भी अगर आपको वास्तु कंप्लाइंट मिलती है तो दैट्स वेरी गुड. नेक्स्ट, अगर कहीं देखते हैं कि उसमें डिफेक्ट है और उसको हम रेक्टिफाई करें विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, विदाउट जो हमारे टूल्स हैं जिससे मैं उनको ठीक करती हूँ, एनर्जी को, जैसे कि किचन अगर रॉन्ग डायरेक्शन पे है, अब ये तो है नहीं कि किचन को तोड़ फोड़ कर देंगे, नहीं कर पाते. हाउ टू शिफ्ट दैट एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, दिस इज आवर मेन इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं कि वी आर हैविंग एक्सपर्टीज इन दिस, आई एम मास्टर फॉर दिस. हाउ टू बैलेंस दिस एनर्जी, हाउ टू शिफ्ट एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. देयर वॉज अ टाइम कभी की प्रीत हार्ट अटैक होता था तो लोग घबरा जाते थे, अरे वो हार्ट अटैक हो गया. अब उसमें ये तो नहीं है, डॉक्टर्स ने आहिस्ता आहिस्ता बायोप्सी सर्जरी करनी शुरू करी. बायोप्सी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी के पार्ट्स में से कहीं से फ्लो, जो से ब्लड फ्लो होना है, उसको वेन्स को रास्ता देते हैं. द सेम वे आई डू. अगर आपके घर की कहीं पे भी प्लेसमेंट्स गलत होती हैं, उस एनर्जी को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट किया जाए विदाउट डूइंग रेनोवेशन और रीमॉडलिंग, वो सर्जरी बायोप्सी आपके घर की मैं वो करती हूँ. उसको मैं शिफ्ट करती हूँ एनर्जी को जहाँ हमारे को गलत डायरेक्शंस मिलती हैं. तो आपको अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं, या जैसे हमारे पास पूरी टीम है, रियलिटर भी हैं उसके बीच में, आपको लोन अप्रूव करा के भी देते हैं, प्लस आपको वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी लेने में भी हम आपको पूरी हेल्प करते हैं. तो उसमें आपको इंडिविजुअल मेरे से नहीं विजिट के लिए बुलाना पड़ता, लेकिन
अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको चाहते हैं कि रेनोवेट करना या आप उसमें एडिशंस करना चाहते हैं, एडिशंस नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको विदाउट रेनोवेट उसको बैलेंस करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो येस वी कैन ईजली डू विद द हेल्प ऑफ टूल्स जिसको हम बनाते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में पर्सनली कि जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि मीन्स हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूं बिकॉज वो किसी ना किसी इंसान से इंस्पायर्ड होता है जी। तो आप किस आप मीन्स आपने कैसे सोचा कि मैं इस लाइन में जाऊंगी, आपके आपको कोई इंस्पिरेशन थी? ऑफकोर्स क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे इन 19 आप कह सकते हैं कि 82-84 के बाद में कि जो मैंने देखा कि पर्टिकुलर मैं गलत डायरेक्शन में थी उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए जिन्होंने मुझे पर हिला के रखा था और जब मुझे वहाँ पे किसी ने गाइड किया कि येस ड्यू टू डायरेक्शंस इट हैज हैपेंड टू यू और अगर आप इस जगह को छोड़ के दूसरी प्रॉपर इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो आपका ये ठीक भी हो सकता है और बहुत कभी मैं बताऊंगी जरूर एंड इट वॉज अ बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ का एक हादसा हुआ था लेकिन जैसे ही मैंने सही डायरेक्शंस के बीच में जाके रहना शुरू किया आफ्टर टाइम आई गॉट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो उससे ये हुआ कि मैंने जाना चाहा कि क्या वाकई ही एनर्जी देखी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखना शुरू किया कि यस इट रियली वर्क्स। फिर मैंने इसके ऊपर में स्टडीज़ करी, काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद में मैंने इसका प्रैक्टिस करनी शुरू की, थ्योरी करने के बाद ही मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया प्रैक्टिकल्स और ये मैंने देखा है कि जहाँ पे ही डायरेक्शन गलत है इट रियली वर्क्स और अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर में कैसे इफेक्ट लगाती है इट जी बिल्कुल जैसे आपने बोला कि आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको बिल्कुल पहले पॉजिटिविटी देगी लेकिन जहाँ डायरेक्शन गलत मिलती है वहीं आपको पूरा गहरा देती है। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर हम घर लेते हैं जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स लेकिन अगर उसी घर का साउथ वेस्ट डाउन हो या साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो या साउथ वेस्ट खाली हो तो वो घर एक स्नेक लैडर की तरह काम करता है, मतलब कि आपको एकदम ऊंचाई पे लेके जाएगा और 2 साल के बाद ही वो लेके आपको नीचे फेंकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी क्यों साउथ साउथ वेस्ट हैज टू बी हैवी एंड ब्लॉक, तो वहां पर अगर हम पानी अर्थ एलिमेंट में लेकर आएंगे, मिट्टी में अगर पानी डालो तो पानी सोख कर जाती है तो वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी सोख करेगा, क्या होगा डेथ डाउनफॉल डिप्रेशन हर तरह का नुकसान हमारे को उस डायरेक्शन से मिलता है। तो अब यहाँ पे मेरी एंट्री होती है कि अगर मैं वहाँ स्विमिंग पूल है अब स्विमिंग पूल नहीं बंद करना चाहते, हम प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं खत्म करना चाहते तो उसकी एनर्जी हम कैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट करें? अब ये तो है नहीं कि वहाँ से स्विमिंग पूल बंद करके फ्रंट के ऊपर मैं नॉर्थ ईस्ट में लेके आऊं, कैन नॉट। सो हाउ वी कैन बैलेंस एनर्जी, लेट द स्विमिंग पूल बी ना साउथ साउथ वेस्ट लेकिन उसकी एनर्जी को हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ओके तो मीन्स ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत लोगों के घर बने बनाए हैं उनकी घर में प्रॉब्लम चल रही है जी. तो जो एनर्जी किसी गलत जगह पे वेस्ट हो रही है जो आप बोल रहे हैं जैसे जी. तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बिल्कुल लाइक वास्तु के जरिए बिल्कुल वास्तु के जरिए जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं लेकिन फेथ बहुत जरूरी है, विश्वास आपको होना चाहिए इट रियली वर्क्स। अगर आप उस चीज को कई बार होता है कि कह देते हैं कि जी मेरा हस्बैंड नहीं मानते या मेरी वाइफ नहीं मानती तो मैं वहां पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि दोनों की रजामंदी चाहिए होनी चाहिए बिल्कुल। आपको समझना चाहिए कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ए साइंस। मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक ऐसा विज्ञान एक साइंस है। अगर हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, आप गर्मी है आपको ठंडक चाहिए जी चाहिए, इसके बिना आप नहीं रह सकते। फायर मतलब भूख आपको लगती है तो फायर कहते हैं ना कि पेट में आग लग रही है भूख लग रही है बिकॉज इट इज अ फायर एलिमेंट। सेम फायर अब आपकी साउथ साउथ ईस्ट में उसकी डायरेक्शन परमानेंट है, अगर वहां फायर की जगह में आपका बेडरूम होगा तो नेचुरली आपको गुस्सा आएगा बिकॉज फायर हैज टू टेक अ प्लेस। फायर वो ये नहीं बोलेगा कि मैं साउथ ईस्ट से जाके मैं नॉर्थ वेस्ट में चला जाऊं या मैं दूसरे डायरेक्शन में चला जाऊं। अब उस कमरे में अगर किचन नहीं है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो आपको गुस्सा आएगा
आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप लीगल इश्यूज में आ जाएंगे, आप ड्रग्स में आ जाएंगे, एडिक्शंस होनी शुरू हो जाएगी. सो लॉट्स ऑफ कॉप्स के साथ में है, कई बार बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर लीडरशिप वैल्यू आनी शुरू हो जाती है, उन्हें नुकसान करती है. सो हाउ टू मेक इट, अगर वहाँ मास्टर बेडरूम है, रोज ही हस्बैंड वाइफ का झगड़ा सिर फाड़ने में आ रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड इट इज ट्रू, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स आई एम हैविंग those had a problem due to directions but once they followed them everything is fine now. okay. तो आपके पास means आप 32 years से ज़्यादा आपको हो गए इस profession में, तो आपको सबसे ज़्यादा जो main cases मिले हैं वो सबसे ज़्यादा cases कैसे हैं? इसके लिए मैं आपसे मैं बता रही हूँ कि मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल एक के लिए नहीं कह सकती हूँ. यस, रिलेशनशिप को लेके बहुत मिला मेरे, बहुत, बिकॉज आजकल भी अगर देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम यही है. ड्रग्स को लेके, अल्कोहल को लेके बहुत आए हैं कि छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं. और सब जगह का रीज़न यही डाल पाया गया कि उनकी डायरेक्शन गलत थी सोने की. ओके, दैट वॉज देयर. प्लस इसके साथ में मैं ये हम सबसे पहले लिसनर्स आपको बता दूं कि अगर किसी को मेडिकली भी प्रॉब्लम होती है तो इट डजंट मीन कि आप डॉक्टर्स की राय नहीं लीजिए. आई एम नॉट ए मेडिसिन डॉक्टर, मतलब मैं एक आपको ये हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आप किसी सीरियस हेल्थ इशू से जा रहे हैं तो अगर आप वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं तो उससे आपको ये होगा कि आपकी मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी. एक बीमारी और ऊपर डिप्रेशन, आप उसको लेके अपने आप को नहीं फ्रस्ट्रेट होंगे. देयर आई कैन हेल्प यू, बट इट डजंट मीन कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है. मींस दोनों को साथ में रखना है, बैलेंस बनाना है. मेरे पास में बहुत मेरे कस्टमर से जो कितने साल से जिन्होंने कंसीव नहीं किया एंड आफ्टर 18 इयर्स दे आर ब्लेस्ड. ओके, एंड इट इज ट्रू, दैट्स ऑसम, इट्स ट्रू. क्योंकि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, देयर टेस्टिमोनियल्स आल्सो, देयर अवार्ड्स आल्सो. मैं चाहती हूं कि आप लिसनर्स को अपनी एक बार वेबसाइट बता दें, बिकॉज़ जी हां, इफ यू विजिट माय वेबसाइट worldofdivinevastu.com, worldofdivinevastu.com पे जाइए, आपको काफ़ी मेरे बारे में पता चलेगा, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जिनको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ट्राई टू रीड देम, ट्राई टू फॉलो देम. हियर आई एम नॉट कम, आई हैव कम टू सेल माई सेल्फ या सेल माई बिजनेस. यस, स्टिल वॉन्ट टू अवेयरनेस. मैं सभी को चाहती हूँ कि इसको थोड़ा अवेयर हों, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ. जी जी जी, बिल्कुल. बिकॉज अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर को हम बताते हैं कि मुझे ये हुआ है, तो डॉक्टर भी बैकग्राउंड चेक करता है, बैक करते हैं, आपके एक्सरे करेंगे, आपके सब कुछ करेंगे, तभी वो आपको मेडिसिन, आपके परिवार में क्या चल रहा है, किसको ये प्रॉब्लम थी. तो सेम लाइक दैट आई थिंक आपको अभी यही बिजनेस होगा, आपका प्रोफेशन ये होगा कि आप लोगों को देखते होंगे कि कैसे रह रहे हैं वो, कहाँ सोते हैं. कई बार होता है कि घर इतना सुंदर है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन इतना क्लटर है कि आप प्रीत वहाँ पाँव नहीं रख सकते हैं. मैंने देखा है कई क्लाइंट्स के, तो आप मुझे बताइए वहाँ पर वास्तु भी क्या करेगा अगर आपने इतना क्लटर किया है. जी, जी, नहीं, जी, कर सकते. देन आई ऑलवेज रिकमेंड दैट डोंट माइंड, आई वोंट चार्ज यू फॉर दिस, इट्स बेटर पहले आप डी क्लटर करिए. आप एक टेबल के ऊपर में आपकी वहाँ पे 10 साल पुराने भी पेपर्स भरे पड़े हैं, चेयर फट गया उसके ऊपर में, आपका पपी वहाँ पे बैठा हुआ है, स्मेल कर रहा है, बर्तन टूटे हुए हैं, तो वहाँ पे वास्तु क्या करेगा? वास्तु कुछ नहीं कर सकता वहाँ. जी, यू हैव टू डी क्लटर. अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी बैठ गई है, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, चाहे चिल्ला के निकालें, चाहे रो के निकालें, चाहे गुस्से से निकालें, तब तक आप अपने आप को कैसे पॉजिटिविटी से फील कर सकते हैं? We have to live this life. It's a beautiful life. We have to live it. जी, but जी. how to live it, it depends on us. जी. How to tackle. ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मैं आर्ग्यू नहीं करती, लेकिन उसके बाद में you have to close your eyes and see कि where we are. How we can balance. अगर ये स्टेप से अगर हम फेलियर हैं तो it doesn't mean कि हम वहाँ पे स्टक होकर अपनी लाइफ को रख लेंगे. We have to stand. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. हम कैसे मूव कर सकते हैं? There I help them. I always am thinking yes we can go, we can reach. चाहे वो औरत है चाहे आदमी, मैं उसमें कहीं नहीं कुछ कहती हूँ. But yes, every भगवान ने आप सबको एक क्षमता दी है. किसी में सब कुछ खत्म होकर मैं एक माफ़ी मांग के कहती हूँ अपने लिसनर्स, फॉर गॉड फॉरबिड किसी वजह से हो सकता है हमें कुछ हो जाए, हमारे हाथ ना चले पाए, लेकिन ये 5 elements रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर जब तक आप जिंदा हैं. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं. इन्हीं की वजह से आप जिंदा हैं. आपको इनको
कैसे इनको आपको अपनी सेंसेस के साथ में, कैसे अपनी फीलिंग्स के इमोशंस अपनी करेज के साथ जोड़ना है, वो आपको एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट को करने के लिए आपकी एनवायरमेंट की, जो आपके घरों की ड्वेलिंग की एनर्जी है, वाइब्स है, वो आपकी बॉडी के वाइब्स के साथ में कैसे बैलेंस करती है, यहाँ मैं आप सबकी मदद करती हूँ। ओके तो मैं चाहती हूँ, बिकॉज हमारा बस हमारे पास 15 मिनट बाकी बचे हैं, तो आप मैं अपने सारे जो कॉलर्स हैं और जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स आपको बात बताऊँ वजह क्या होता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी कॉल्स आती हैं बाद में, शो खत्म हो जाता है तो बाद में कॉल्स आती हैं, वो बोलती हैं कि आपका शो इतना अच्छा चल रहा था, हम जस्ट सुनने में व्यस्त थे। ऐसा भी होता है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई लाइक सलाह मशवरा चाहिए, आप बोल आप आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल अस। लाइंस हमारी खुली हैं, नंबर है 408-934-1310। अगर आप शो के बाद रिवा जी से बात करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल हर, उनका नंबर है 510-868-3338। जी, तो और क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? बस इसके साथ में मैं लिसनर्स को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो कि हमारी डेली रूटीन की है जी, कि अगर आप कभी भी किसी घर को लेना, क्योंकि दिस इज़ ए राइट टाइम, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स पे डिपेंड करता है, और खासकर अमेरिका में मैंने नोटिस किया है कि दे वॉन्ट टू बाय प्रॉपर्टी बट दे वॉन्ट टू बाय नियर बाय स्कूल्स की बच्चों ईजी हो, और उनको भी अपने ऑफिस के नज़दीक में कम्यूट करने में उन्हें ईजी रहे। तो वी हैव टू सी जी कि हमें कौन सी डायरेक्शंस तो फेवरेबल है, वो तो हमें देखेंगे, लेकिन इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि क्या क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरी वेबसाइट पे तो डिटेल्स हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ में मैं ज़रूर अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हाउ टू सी डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। ये चीज हम खुद भी कर सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल। आप कंपास को डाउन कीजिए, आजकल आईफोन है आपके पास, सब है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। दो चीजें आपको देखनी है लिसनर्स, फर्स्ट यू हैव टू सी इन विच डायरेक्शन योर मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग, सेकेंडली इन विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी, उसके बिना मैं आपको डायरेक्शंस अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो आप मेरे से करेक्ट आंसर भी नहीं ले पाएंगे। जी जी जी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मेरे से नेक्स्ट शो पे अगर जब बात करते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप उससे पहले कंपास को जमीन पे रखिए मेन एंट्रेंस डोर पे, एंड यू हैव टू सी फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड, मीन्स कि अगर आप खड़े हैं, आप अंदर से हो गए बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या डायरेक्शन उसमें दिखाई दे रही है और कितनी डिग्री दिखाई दे रही है। अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है तो वो आपको दिखाएगा 0 से 35 तक डिग्री दिखाएगी। पंजाबी भी तो मैं दसना चाहूंगी कि अगर तुम देखना चाहते हो कि थोड़े घर की डायरेक्शन केड़े वाले पास दिखती है, तो तुम्हें की करना है, कंपास उत्ते कंपास नू डाउनलोड कर लो अपने फोन के उत्ते, कार दे मेन एंट्रेंस डोर ते थले रखो, अंदरों देखते हुए बाहर वाले पासे देखना तुसी कि तो उन्हों की दिखाई देता है, कितनी डिग्री दिखाई देती है, कि नॉर्थ हैगा नॉर्थ ईस्ट हैगी है, की डिग्री दिखाई देती है, उन्हों नोट करो। और बाद तुहानू इस सवाल जरूर किया जाएगा कि तुहाडा हाउस किहड़े पासे डायरेक्शन है जी। रीजन की है कि कई बार साडा एंट्रेंस डोर राइट साइड या लेफ्ट साइड या एक साइड के उत्ते होंदा है, तो इहदा मतलब अगर मेरा तुहाडा घर सपोज कर लो जी साइड तो आ रहा हैगा, और तुहाडा घर फ्रंट जिहड़ी दीवार हैगी है मेन मूह है, अगर नॉर्थ नू फेस कर रहा है, लेकिन घर का एंट्रेंस डोर तुहाडा राइट तो आ रहा हैगा, तो इट मीनस योर हाउस इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट जी। So we have to see everything according to that. On other side, अगर directions तो लिखता है कि car the entrance door भी center ही चाहे और right side ते ही थोड़ा garage भी आ रहा है, then it means your house entrance house door and entrance door is having a same directions. Okay. So then it will be easy for me to answer your questions कि तुसी उसमें चंगी तरह में तो जान सकते हैं क्यों कि कितनो किस तरह ठीक कर सकते हैं। जी, तो मैं चाहुंदी हां कि बिकॉज अजकल जिहड़ी मेन प्रॉब्लम है लोगों की रिलेशनशिप के विच लैके बहुत ही ज़्यादा सफर करते हैं ना, बहुत बार अजिहा होंदा है कि पहला लव मैरिजिज का जमाना है, बहुत प्यार होंदा है, तो जिद्दे ही मैरिज के विच आते हैं तो लड़ाइया झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो मैं चाहुंदी हां कि तुसीं उन्हां नूं कोई टिप दिओ तां कि जी प्रीत बिल्कुल मैं देना चाहवांगी कि अगर तुसी देखते हो कि थोड़े पर्सनल रिलेशन नूं लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, देन साउथ वेस्ट इज़ ए बेस्ट डायरेक्शन।
इफ यू थिंक दैट यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम इन योर पर्सनल रिलेशन की बॉन्डिंग नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप. ओके, इफ यू स्लीप, if your master bedroom is in a southwest direction and head is towards south, feet towards north, because let the energy travel from north to south. Okay, and there should not be any window behind you. Along with it, kindly place a beautiful picture of your husband wife. The acha ja picture to see southwest bedroom di south wall de upar lagao. That will help you a lot. Okay, that's magic. जी, बिकॉज ज्यादातर लोगों को यही होता है ना, ज्यादातर लोगों को यही होता है. ऐसी कोई बात नहीं, वीकेंड को पंजाबी पंजाबी कि जी, ज्यादातर लोगों को ये होता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसके साथ हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ठीक हो जाए. यस, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिलेशन चाहे आप किसी चीज में भी ले लीजिए, चाहे हस्बैंड वाइफ का लीजिए, पेरेंट्स बच्चों का ले लीजिए, हर चीज का भी, किसी का भी हो, आप अपने बॉस के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में, हर दूसरे के साथ में, एक बॉन्डिंग बहुत डिपेंड करती है. आज आप, मैं आपके साथ, आप मेरी मेरे को होस्ट कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वे टू बी स्टैंड. सो एवरी थिंग इज रिलेटेड विथ ईच अदर, बट हाउ वी कैन मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं, तो वो फिर वहीं पे सवाल आता है, डायरेक्शंस. तो बिना डायरेक्शंस के, बिना दिशाओं से आप अपनी दशा सही नहीं कर सकते. दशा मींस कि अगर हम कहीं फेलियर हैं, कहीं परेशान हो रहे हैं, रिलेशन को लेके, बच्चों को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, तरह तरह के सवाल हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, लिटिगेशंस में है, ऑल दीज थिंग्स, यस वी कैन वर्क इट आउट. Remember, every problem is having a solution. आपको सिर्फ है, I can only help you how to live in harmony with the earth. कि आप हार्मनी के साथ इस जमीन पे कैसे रह सकते हैं, जो भगवान ने हमें जीवन दिया, इसको कैसे हम इस जीवन को खूबसूरत बनाएं. Forget the past, जो हो गया भूल जाइए, आज के ऊपर ध्यान दीजिए. आज जी, अगर हमारा आज अच्छा होगा तो आने वाला कल तो अच्छा. तो आज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टाइम हो रहा है, अब टाइम होने हो रहा है गुड बाय का. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से अच्छी सी गुड बाय बोलें, ताकि हम नेक्स्ट वीक अच्छा कुछ प्रोग्राम लेके आए. जी हाँ लिसनर्स, नेक्स्ट वीक हम इसके लिए और भी अच्छा लेकर आऊंगे, और ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए सवाल लेके आऊँ. पहले तो आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, आपके सवाल होंगे, रेवा कुमार के जवाब होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक जवाब मेरा होगा, आप सबका सवाल होगा, तो देखेंगे क्या विन करते हैं आप हमारे से. ये हमारे शो की स्पेशलिटी होगी. उम्मीद है आप ये शो आज इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करेंगे. एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई एम नियर बाई यू. यू कैन गिव मी अ कॉल 510-868-3338. दिस इज वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. इफ यू वॉन्ट टू ई मेल मी, divineavc@gmail.com. A for Apple, V for Victor, C for Charlie@gmail.com. My website worldofdivinevastu.com. Phone number to reach me 510-868-3338. 510-868-3338. जी दोस्तों, ये सन GPS रेवा कुमार जी जो साढ़े नाल जुड़े सन. अज असी इन्हां दा इंट्रोडक्टरी शो ते आन वाले हर एक हफ्ते, हर एक वेंसडे साढ़े नाल जुड़िया करनगे. ते हर एक इंट्रस्टिंग गल ये है कि इन्हां दे थोड़े क्वेश्चन होया करनगे, ते तुहाडे जवाब, ते उह जवाबां दे बदले जिहड़ा एक जवाब बिल्कुल सही होएगा, उन्हां नूं मिलेगा जी एक गिफ्ट हैम्पर. ते दोस्तों, जेकर तुसीं शो दे बाद वी इन्हां नाल गल करना चाहुंदे हो, ते इन्हां दा नंबर है जी 510-868-3338. ते जेकर तुसी ऑन एयर इन्हां नाल गल करना चाहते हो, नैक्सट वीक वेंसडे नूं साडे नाल जुड़नगे, उस समय भी तुसी कॉल कर सकते हो जी. ऑन एयर तुहाडा कोई भी क्वेश्चन हैगा तुसी पुछ सकते हो. नंबर है जी 408-934-1310. ते दोस्तों, हुण मेरा भी ये टाइम हो रहा है थोड़े तो इजाजत लेने दा. मैं चाहुंदी हाँ कि कल नूं दोबारा तो असीं सेम जगह ते मिलिए, नवें नवें विचारां दे नाल, नवीं नवीं गल्लां दे नाल, ते बहुत सारे कॉल्स दे नाल, ते बहुत सारियां गीतां दे नाल. तद तक दे लई तुहाडा ते साडा रब रखा. गुड बाय, लव यू ऑल. Thank you, listeners. Rab Rakha. Thank you, Preet. Ji. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.